मशहूर कथावाचक जया किशोरी पर खुलकर बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, शादी पर भी रखी बात। लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी के बारे में जानने को बेहद इच्छुक हैं। शादी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे जरूर करेंगे और गृहस्थ परंपरा में जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। उन पर अंधविश्वास से लेकर जादू टोना तक के आरोप लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि उन पर भगवान का आशीर्वाद है। लगातार सुर्खियों में बने रहने की वजह से लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोग उनकी शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर मशहूर कथावाचक जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जोड़ा जा रहा है। दोनों की भविष्य में शादी को लेकर अफवाहें भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। इन सभी अफवाहों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने जया किशोरी के साथ नाम जोड़े जाने पर विस्तार से अपनी बात रखी। एक इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि किसी से उनका नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जया किशोरी को उन्होंने अपनी बहन बताया और कहा कि दोनों की कभी बातचीत नहीं हुई है। उनसे जब पूछा कि क्या कभी कथा में दोनों जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री एक साथ आए हैं, इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने जवाब दिया, हम लोग कभी नहीं मिले, यह सिर्फ TRP और हिट्स बढ़ाने का तरीका है। इसके अलावा इंटरव्यू पर लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी के बारे में जानने को बेहद इच्छुक हैं। शादी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे जरूर करेंगे और गृहस्थ परंपरा में जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबके मुंह को बंद नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि मिशनरी वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज हमें चुनौती के लिए टारगेट किया था जिसमें हम लोग पास हो गए, अब वे फिर कोई नई चुनौती खड़ी करेंगे। उन्होंने बताया कि साधु को गिराने के दो ही तरीके होते हैं, एक रुपया और दूसरा स्त्री। रुपया हम लेते नहीं और स्त्री के लिए भी टारगेट नहीं किया जाए तो उसको भी मैं शादी करके ख़त्म कर दूंगा। जानिए कौन है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। वे एक मशहूर कथावाचक हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गाँव में है। वहाँ स्थित बालाजी मंदिर को ही बागेश्वर धाम कहा जाता है। इसी मंदिर में दादा गुरु भगवान दास गर्ग की भी समाधि है। छोटी सी उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री दादा गुरु के साथ बालाजी मंदिर जाते थे। हाल ही के एक इंटरव्यू में बागेश्वर धाम सरकार ने बताया था कि वे एक कैंसर अस्पताल का निर्माण करवा रहे हैं जो कुछ सालों में पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज। हर झूठ का होगा पर्दाफाश। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान न्यूज 365।